हेलो एवरीवन फ्रॉम पावागढ़। हम वडोदरा से पावागढ़ आ गए हैं और आपको बताता हूँ थोड़ा, हमारा यहाँ दूसरा दिन है इसलिए मैं अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। पहला ये कि ये पावागढ़ बस डिपो है जहाँ पे बस आपको लाके छोड़ेगी वडोदरा से। अब जो लोग सीधे दर्शन करना चाहते हैं, मतलब जैसा ऐसा है कि आप सुबह 6-7 बजे आ गए तो सीधा यहाँ से आप आगे जाइए, टैक्सी मिलेगी, टैक्सी आपको ऊपर पावागढ़ काली माता या भद्रकाली माता छोड़ देंगी। 30-40 रुपये पर पर्सन लेंगे। अब बचे वो लोग जिनको थोड़ी बहुत भूख भूख लगी है, तो पास में ही हंसराज रेस्टोरेंट है, थोड़ा सा पीछे चलते ही वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा आपको। कुछ ऐसे लोग भी जिनको पेट भर के खाना नहीं खाना, हल्का फुल्का खाना है, तो वहीं टैक्सी लेने जा रहे हैं, वहीं पर आपको चाय और सेव उसल मिल जाएगा। दोनों ही शॉप का फ़ोटो मैं डाल दूंगा। अब बचे वो लोग जिनको रात को रुक के सुबह दर्शन करने जाना है, तो आपको उसके लिए एंट्री लेनी पड़ेगी इधर। ये है पूरा पावागढ़ गांव, यहाँ से लेके पूरा जो मीनार, चार मीनारी टाइप जो होता है ना बॉर्डर, उसमें पैक है पूरा का पूरा, और किला भी बोलते हैं इसको, किले के अंदर। तो यहाँ पर बहुत सारी होटल्स हैं टेढ़ी मेढ़ी, और धर्मशालाएं हैं जिनमें हर कोई नहीं रह सकता। 200-250 रुपये से रूम स्टार्ट है, पर हर कोई रह नहीं पाएगा। तो अगर आपको एक ढंग का रूम चाहिए तो उसके लिए आपको अंदर एंट्री लेनी पड़ेगी। अतिथि भवन में हम जाके रुके थे, और ये आपको दिख रहा है एक पुराना सा शहर, कभी पूरा का पूरा क्या आबाद हुआ करता होगा। तो ये पूरा यूनेस्को हेरिटेज में आता है, हेरिटेज साइट, आर्कियोलॉजिकल साइट में, और वो है काली माता टेम्पल। तो आप सोच रहे हैं वहाँ से आप टैक्सी पकड़ेंगे, वो टैक्सी घूमते 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 आपको वहाँ पहुँचा देगी। ये बहुत खड़ी चढ़ाई है ना, इसलिए उसको काटते हुए ऐसे करके चढ़ाना पड़ा है। काली माता टेम्पल उधर, हंसराज जहाँ हम रुके हुए हैं, अतिथि भवन, सबके प्रॉपर वीडियो आएंगे। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, एक सही इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, वरना हमारी तरह आप परेशान हो जाओगे। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और बहुत परेशान हुए हम, मतलब एक बार तो ऐसा लगने लग गया था कि यार कहाँ आ गए भाई साहब, यहाँ तो हर कोई लूटने में लग रहा है। लेकिन वही बात है ना कि हर तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, फ़र्क ये पड़ता है कि आपका वास्ता किन लोगों से हो गया। बाद में हमारा वास्ता अच्छे लोगों से हुआ, दर्शन करने के बाद माता रानी की कृपा हुई और हमें सही जगह मिली रहने की, खाने की। तो अब हम सात कमान जाने का जुगाड़ लगा रहे हैं, और वो सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, बाय बाय।